सीधे आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां कठुआ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे, 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संजाल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से, जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना, और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं इसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है, और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अभी तो बहनों और भाइयों आप देख रहे होंगे, अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना काल खंड में पहली बार आपने देखा होगा, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, और अगले 5 वर्ष तक राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है, और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को, ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है, दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे,
और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। आप देखते होंगे न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर भी आप देखते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। बहन और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने हैं और 2.5 करोड़ घरों तक पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट ने और उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं, वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। और तो और, कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे, और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया, लोगों ने कहा रे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा रे क्यों, कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज। तो आपको जम्मू कश्मीर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ से दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने हजारों की संख्या में भीड़ यहां पर मौजूद है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सीधा लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है। अभी जम्मू कश्मीर में उनका चुनावी रैली चल रही है, उसके बाद मेरठ में दौरा है। शाम 4 बजे मेरठ के जवाहर इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तूफानी प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की टॉप लिस्ट में है। ऐसे में आज 3 जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां हैं। पहली रैली जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो अभी चल रही है, उसके बाद शाम को 4 बजे मेरठ में दम भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी उनका कार्यक्रम है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है, और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे उन्होंने भी भेजे, एक लंबी सूची है। उन सबको
संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी है इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से FIR दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध से सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले, इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन सरकार ने हमेशा उन्हें अपने ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए, बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है, इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों के एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है, ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं, और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं,
और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है न वो उसकी क्वालिटी है कोई। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल करवाए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यम उससे जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांवों के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, आगे ना बढ़ पाए, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सबका मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा, सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो यह है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें, तो अभी तो अग्निवीर की है इन्होंने, फौज का किया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा, और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। सर आप लोग बात करना चाहते हैं जनगणना का, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अपनी गारंटी का, तो गारंटी उनकी क्यों नहीं हो पाती है कि जाति जनगणना पिछले दलितों को न्याय मिल पाए, और बात करते हैं कि हमने जो कहा वो पूरा करके रास्ता हो गए। बीजेपी की झूठी बातें वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का।
अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना अपना चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। 2022 के लोकसभा में भी आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी इस तरह की बातें आपने की थी, किसान मजदूर और तमाम सारे शिक्षा पर बात की थी, लेकिन पब्लिक में उसका जो रिसेप्शन है आपकी सीटें काफी बड़ी, मगर आप मेजोरिटी से दूर रह गए। इस बार जो आप ये पेश कर रहे हैं, ये कैसे पब्लिक तक जाएगा, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक रिसीव करे इस संदेश को, आप यहाँ हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेस वे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुखोई और मिराज भी थे। जनता जानती है, जनता समाजवादियों पे भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। जनता का मांग पत्र पढ़ो तो ठीक से। अरे हमारे पत्रकार साथी, आपके अधिकारों की भी बात करना है, नहीं तो जिसका दाना उसका गाना। इसलिए कम से कम ठीक तो पढ़ो, ये जनता का मांग पत्र है, हमने जनता जो मांग रही है वो हम अब इसमें शामिल करवाए। बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझकर के पेपर लीक कर रही है, जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नियत नहीं नौकरी देने की, अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होते। इधर मैंने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े इस क्षेत्र के बिल गेट्स आए थे, उन्होंने डिजिटल डिवाइड की बात की थी, और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है, तो आज हर चीज उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, खाने से लेकर के जानकारी और सरकारी सुविधाएं। और याद हो समाजवादी पार्टी ने उस समय इस बात को कहा था कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है, वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आता इसलिए, इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर करवाएं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का,
क्योंकि आपके वैभव माइंड ये लगता है कि क्वालिटी का है, पौष्टिक है, पौष्टिक खाना नहीं देंगे। जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने, उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है, हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन हमारे गरीब को भी मिले। और आपको याद होगा, आप में से सब लोग मौजूद थे जब लखनऊ में एक किचन शुरू की थी, आप मंत्री थे, लगभग 2 लाख बच्चों को कुक्ड हॉट मील दे दे उन्होंने। और वो जो योजना हम लोगों ने लागू की थी 10 डिस्ट्रिक्ट में और लागू हो जाती, लेकिन सरकार ने रोक दी। जो बनारस में उद्घाटन हुआ था जो किचन का, वो किसी और की देन नहीं, वो समाजवादियों की देन थी, जिसके कारण बनारस में बच्चों को हॉट मिल्क मिला। वो हॉट मिल्क के साथ साथ जो आपका खाना है, मील है, उसका इंतजाम किया। और हफ्ते में एक दिन मिल्क देते थे हॉट, अगर आपको याद हो तो। क्या चीज, उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी, उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो। जो आदमी पहले से ही डर रहा हो, तो मैं तो चाहता हूं बीजेपी को अनाउंस कर देना चाहिए उनका। मैं तो ये अपील करता हूं, अगर उन्होंने मैनप्री हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी जानकारी दी, तो मैं तो आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूंगा कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वहां बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस कर दो। तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। वो तो आप भी जानते हो, उसके बारे में लिखा है कि सभी भरे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। तुम तो बहुत आगे की खबर चलाते हो, ये पीछे की खबर क्यों पूछ रहे हो। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को बदलने की बात की जा रही है, 8 बार प्रत्याशियों को बदला गया है, तो ये प्रत्याशियों को बदलने के पीछे की क्या वजह है। अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को बदलने, 8 बार प्रत्याशी बदले गए, किसके कौन है बीजेपी का बताओ। नहीं भाई, आप बार बार नहीं, ऐसा है हम तो बदल रहे, चलो ठीक है, विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, प्रत्याशियों को बदला जा रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी, उनका विरोध हो रहा है। मैं पत्रकार साथी के लिए कहूंगा वो गाना लगाइए, सांसद जी हाजिर हों। मैं इसके साथ साथ अरविंद जी से कहूंगा कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस गाने के बाद उनको ज्वाइन कराना। वो छुट्टी पे हैं, और छुट्टी पे वो। सर सोशल मीडिया पे कई एआई जनरेटेड वीडियोस चल रहे हैं जो कई पार्टियों को डायरेक्ट, वो मैंने भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति किस किस के लिए वोट मांग रहे हैं। सांसद जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का
हाथ झुमलाते कर छुट्टा बजियों ने किया नाक में दम करी यूरिया बोली से कम मजदूर की तुमने मजदूरी मारी डरी सहमी सी हर लड़की नारी बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा बिन पानी के नक्का बंबा जेब भरी पर भरा न गड्ढा बिन दवाई लाज पर जाने दद्दा दुगना हुआ महंगाई से खर्चा लीक हुआ एग्जाम का पर्चा बेरोजगारी और बेकारी लेकिन नौकरी भी गई हमारी है भ्रष्टाचार का बोलबाला कारोबार पे लग गया ताला झूठे निकले संसद के वादे जनता से फिरते अब भागे भागे गुस्से में जनता ने यही पुकारा अब ऐसा संसद नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा अब ऐसे सांसद खारिज हो खारिज हो खारिज हो अब ऐसे सांसद खारिज हो खारिज हो खारिज हो अब ऐसे सांसद खारिज हो। फिर सवाल है, फिर एक और वीडियो दिखाऊंगा। बहुत खुशी की बात है, एक हमारी पसंद से समझदारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उनका सदैव सम्मान करेगी। उन ज्वाइन करने वाले महानुभावों में श्री सुभाष राय पूर्व विधायक जलालपुर अम्बेडकर नगर अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी से विधायक भी थे, बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी से। वापसी हो गई है उनके साथ ही डॉक्टर राजेश सिंह पूर्व प्रत्याशी बीएसपी विधानसभा जलालपुर ये बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इनके साथ सैकड़ों की संख्या है, सभी साथियों का हृदय से आभार। पिताजी रहे विधायक इनके पिताजी वही पांच बार विधायक रहे और सरकार बनवाई थी। सरकार बनवाने में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो साथी रह गए हैं उनकी ज्वाइनिंग जनपद स्तर पर हो जाएगी। आप सभी साथियों का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री चंद्रपाल सिंह जी निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत रामपुर आज ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बधाई है, बहुत बधाई। दो गाने उसके आते सवाल एयरफोर्स वाला नहीं, इसको दूसरा वर्जन भी दिखाएंगे अभी आपको। इट्स ओनली वन वर्जन, अभी दूसरा वर्जन देखते अभी करा देंगे, अभी करा देंगे।
तो आप लखनऊ से समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।